खबर जनपद रुद्रप्रयाग से है, जहां पुलिस टीम ने 10 दिनों के अंदर हत्याकांड के आरोपी राजीव त्यागी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मुख्यालय के समीप 31 अगस्त 2024 को अमसारी गांव में दिन दहाड़े आरोपी अपनी पत्नी की हत्या कर फरार हो गया था। वहीं पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध कुमार घिल्डियाल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मृतका की माँ की शिकायत पर कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही थी। पुलिस ने घटनास्थल पर फोरेंसिक टीमों की सहायता से साक्ष्य एकत्रित कर कार्रवाई की। सीओ रुद्रप्रयाग ने बताया कि जनपद पुलिस की टीम ने आरोपी को शालीमार बाग दिल्ली से गिरफ्तार कर रुद्रप्रयाग ले आई और जनपद पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गई। उसने अपना अपराध स्वीकार किया और घटना का कारण पत्नी के साथ आपसी पारिवारिक विवाद का होना बताया। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। 31 अगस्त को ये हमारे कंट्रोल रूम, हमारा रुद्रप्रयाग कंट्रोल रूम है, इसमें सूचना आई थी कि रुद्रप्रयाग में ये जो अमसारी गांव है, यहाँ पर किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। तो इस सूचना पे तत्काल हमारे जो कोतवाली प्रभारी हैं यहाँ पे, वो अपनी टीम के साथ मौके पे पहुँचे और वहाँ पे देखा गया कि जो जिसने गोली मारी वो पत्नी घायल अवस्था में है और जो जिसने गोली मारी है वो वहाँ से फरार हो चुका है। अब क्योंकि वो जो महिला है उसको हम तुरंत चिकित्सालय ले गए, जहाँ पे उसको मृत घोषित किया गया। क्योंकि ये रुद्रप्रयाग जनपद की एक बहुत बड़ी घटना है और इसको लिए हमने, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और ये शांत वादियों में इस तरह से गोली मार किसी हत्या करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज, तो हमने इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। और इसके लिए हमने तत्काल जो है, जो हमारे यहाँ पर SOG प्रभारी है मनोज नेगी हैं, जो हमारे कोतवाली प्रभारी के नेतृत्व में जो हमारी बहुत अच्छे SI हमारे जो बढ़िया टीम थी, हमने एक टीम बनाई और इसके अनावरण के लिए हमने टीम में जहाँ जहाँ इसका हमने लगता था कि इसको जहाँ जहाँ थे इसके छिपने के ठिकाने थे वहाँ पर हमने इसको लिया, जो हमें एक वांछित अपराधी था और इसका NPW वहाँ से निकला है। तो वहाँ की टीम से बड़ा, वहाँ दिल्ली पुलिस की टीम से सहयोग लिया गया और इसको हमने वहाँ दिल्ली में अरेस्ट किया। शालीमार जगह है वहाँ पे इसको किया गया और चूँकि दिल्ली पुलिस में था, दिल्ली पुलिस की ये वांछित था, तो पहले इसको वहाँ इसको उतरा दिया गया और ट्रांजिट डिमांड पर इसको यहाँ पे लाया गया। हक का था, इसको जान से मारने की प्रयास किया इसने और उसमें पहले भी इसके बारे में जो वहाँ पे स्थानीय स्तर पर पता किया गया तो ये काफ़ी आपराधिक प्रवृत्ति का था और बताते हैं कि ये वाइन शॉप से या इधर से जो है रंगदारी वसूल करता था। तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब इसको हम बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं मानेंगे, ये अपराधी प्रवृत्ति का है। अब चूँकि इसका यहाँ पे जो संबंध पत्नी की से संबंध था, इसकी पत्नी से बताते हैं कि जो अभी सूक्ष्म जानकारी हुई है, इसकी पत्नी से कुछ विवाद चल रहा था, तो उसी के आधार पे यहाँ आया था, इसको कुछ परिवार न्यायालय में कुछ बात था तो उसकी तारीख भी थी। जो जानकारी मिली, स्थानीय लोगों से जानकारी मिली थी कि 2-3 दिन पहले ही आ गया था, लेकिन ये भी जो उससे पूछताछ पता चल रहा था कि इसका काफ़ी लंबे समय से विवाद पत्नी से चल रहा था। उत्तरकाशी के धौंतड़ी गाजड़ा क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे, शराब पीकर आपस में झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान उसने जयपाल को जलकूर नदी में धक्का दिया जिससे उसकी मौत हो गई। CO उत्तरकाशी प्रशांत कुमार ने बताया कि मामले में 9 सितंबर को कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। वहीं इस मामले में हत्या का आरोपी दोस्त को गिरफ्तार किया गया है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। कि मामला यह है कि ये हत्या का मामला था, इसमें गत 2 तारीख को एक युवक है जयपाल, जो कि ग्राम ठांडी का है, उम्र लगभग 35 वर्ष, ये अपने घर से होटल में काम करने करता था, ये घर से बोलकर गया था मैं काम करने जा रहा हूँ, जिसकी बॉडी हमें 4 तारीख को सूचना मिली थी कि ठांडी गांव में ही जो नदी है जलकूर, उसके पुल के पास में ये मिली है बॉडी। तो सूचना प्राप्त करते ही पुलिस, लोकल पुलिस कोतवाली और SDRF मौके पर गई और बॉडी का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई में करवाई थी, जिससे संबंध में इनके जो परिजन हैं उनके द्वारा एक तहरीर हमें समय प्राप्त हुई थी, जिसमें हत्या की संदेहास्पद स्थिति बताई गई थी, जिस संदर्भ में हमने हत्या की धाराओं में 103(1)(BNS) में मुकदमा दर्ज किया था और मामले की संजीदगी को देखते हुए इसमें स्वयं जो कोतवाल साहब हैं, कोतवाली श्री अमरजीत सिंह, उनके नेतृत्व में एक टीम गठित करके इसमें मामले की जांच हेतु मौका मुआयना किया गया और जांच संकलन की गई। सुराग रसी पतरसी करते हुए जो टीम है वो इस जांच के दौरान ये पाया गया कि ये जो युवक था जयपाल, एक दूसरा युवक राजेंद्र नेगी जो इसी गांव का ही था, इसके साथ रात में 4 तारीख जो जिस अभी गायब हुआ था उससे एक रात पहले बैठ के शराब पी रहे थे और दोनों नशे की हालत में जो है देर रात
उस पुल पर इनके बीच कहासुनी हुई और शायद उसी धक्का मुक्की में जो है उसने उसको गिरा दिया। इस मामले का सफल अनावरण मात्र 24 घंटे में किया गया क्योंकि मुकदमा 9 सितंबर को दर्ज किया गया था और कप्तान साहब ने इसमें सफल अनावरण के लिए टीम को 2500 रुपये का नगद पुरस्कार की घोषणा भी की।